हेलो फ्रेंड्स, मेरे खट्टा मीठा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आम का अचार बना रही हूँ मैं, आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। कच्चा आम मैंने लाया है, ये रामखेड़ा आम है। इसकी अचार बहुत बढ़िया बनती है। इसको मैंने अच्छे से धोकर पोंछकर सुखा लिया है पंखे की हवा में। फिर उसके बाद इसमें हल्दी नमक लगाकर रात भर के लिए रख लिया है। ये 4 किलो आम है, इसमें मैंने 1 कटोरी नमक और आधी कटोरी हल्दी लगाकर रात भर के लिए रख दिया है कि जितना पानी ये छोड़ना होगा छोड़ देगा और इसका जो आम का कसारापन होता है वो भी हट जाएगा। आम को तब तक ही धूप में सुखाना है जब तक उसका ये मॉइस्चर जो होता है गीलापन वो थोड़ा सूख जाए। चलिए आम के अचार का मसाला बनाते हैं। खड़ा धनिया, सौंफ, जीरा, राई, पीली सरसों, मेथी दाना, कलौंजी, इन सब मसालों को आप अलग अलग हल्का हल्का गर्म कर लीजिए। राई को गर्म करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है और मेथी कलौंजी को भी थोड़ा गर्म कर लीजिए। सारे मसालों को गर्म करके इसको दरदरा पीस लीजिए। दरदरा पीसने के बाद सारे मसालों को इकट्ठा कर लीजिए और ये मैंने कढ़ाई में सरसों तेल गर्म कर लिया है। तेज गर्म करके इसको ठंडा कर लेना है। फिर ये जो मसाले ठंडे हो जाए इसको भी पीस लीजिए। सारे मसाले देखिए पीस गए हैं, 2-3 बार करके इसको मैंने पीसा है। अब पहले ये सरसों का तेल डाल के उसमें मैंने गरम तेल करके थोड़ा सा उसमें हींग भी डाल दिया। हींग का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है, अगर आप खाते हैं तो डालिए, नहीं खाते तो मत डालिए। अचार काफी ज्यादा थी इसलिए मैंने इसको 2 बार में मिक्स किया, एक में हो नहीं पा रहा था, 2 बर्तन में बढ़िया से किया है। और मसालों को हाथ से ही अच्छे से मिलाना पड़ता है। आपको लगेगा मैं हाथ से मिला रही हूँ लेकिन हाथ से ही बढ़िया से इसमें आम में ये जो मसाले हैं चिपक जाते हैं। इन मसालों में मैंने हल्दी डाली है, नमक डाला है और लाल मिर्ची, और ये कश्मीरी लाल मिर्ची डाली है। कश्मीरी लाल मिर्ची से इसमें कलर बहुत अच्छा आता है। इसमें आप अपने अंदाज के हिसाब से पहले तेल डालिए कि जितने में ये मसाला बढ़िया से लपेट जाए। और थोड़ी सी इसमें मैंने ये खड़ी सौंफ डाली है, खड़ी सौंफ और ये खड़ी कलौंजी डाली है, मतलब बिना पीसी हुई। इसका टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आता है, जब ये मुंह में आते हैं मसाले तो बहुत अच्छे लगते हैं। फिर ये इसके बाद इसमें आम ये मिक्स कर दिया मैंने और बहुत बढ़िया ये आम की अचार बन के रेडी हुई थी। इसको बनने में तो वैसे 20 से 25 दिन लग जाते हैं। ये अब मसाले इसमें देखिए मिक्स कर दिया है मैंने। इसमें सरसों का तेल भी ज्यादा पड़ता है, आप कितना डालते हैं ये आप अपने हिसाब से डालिए। कुछ लोग ज्यादा डालते हैं, कुछ लोग कम डालते हैं। ज्यादा तेल रहेगा तो वैसे तब ये ज्यादा अच्छी रहती है। लंबे समय तक इसको रखना है तो भाई तेल तो ज्यादा डालना ही पड़ेगा, क्योंकि 1-2 साल ये अचार आराम से चलती है, इसको तुरंत तो खत्म करना नहीं होता। अचार खराब ना हो, बढ़िया बनी रहे, इसलिए इसमें मैंने विनेगर डाला है। पूरी अचार में मैंने सिर्फ 2 चम्मच विनेगर डाला है। और पूरी अचार जब रेडी हो जाए तो उसको मैंने 3-4 घंटे के लिए पहले इसको ढक के प्लेट में इसी बर्तन में रख दिया जिसमें मैंने मिक्स किया है, क्योंकि तुरंत जब इसको बर्नी में डाल दीजिए तो मसाला पूरा नीचे बैठ जाता है और ऊपर खाली आम आम रहता है। इसलिए प्लेट में ही ढक के मैंने रख दिया था और 3 घंटे के बाद मैंने इसको ये कांच की बर्नी में भर दिया था। कुल मिला के इस अचार में 1.5 किलो तेल लग जाता है। बर्नी में मैंने पहले थोड़ा सी तेल डाल दिया, उसके बाद ये अचार डाला है। जितनी अचार ये बनी थी ये पूरी इस बर्नी में अट गई थी बढ़िया से। अभी इसमें मैंने ढक्कन नहीं लगाया है, इसमें मैंने कपड़ा बांध के इसको धूप में रख दिया है। 10 दिन धूप में रखना पड़ेगा। 20 दिन के बाद इस अचार को खाइए। सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय फ्रेंड्स।